हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह पाक आपको ठीक रखे, दीन दुनिया की खुशियाँ दे। तो आज मैं बनाऊंगी एक रेसिपी ऐसी कि जो हर बंदा पसंद करता है। माशाल्लाह आजकल सीजन है जामुन का। ये इतने इतने प्यारे जामुन आ रहे हैं। ये इंसान के सेहत के लिए, जिगर के लिए, ये इंसान के दिमाग के लिए, ये आंतों के लिए, ये इतने अच्छे हैं। इंसान के अंदर से जो कीड़े होते हैं ना, इंसान हर इंसान के अंदर कीड़े होते हैं, ये इसका जूस पीने से, जामुन खाने से वो कीड़े मर जाते हैं। और शुगर के मरीजों के लिए तो है ही लाजवाब तोहफा। ये तो गर्मियों का तोहफा है माशाल्लाह। ये तो कुछ देर रहते हैं गर्मियों में, तो ये तो हम किस्मत वाले लोग हैं पाकिस्तानी, जो हमें ये चीज़ें मिलती हैं। तो ये माशाल्लाह इतनी अच्छी चीज़ है। ये देखें, ये ग्रीन ऐसे होते हैं। ये ग्रीन भी हम साथ जिससे जामुन लिए ना, उससे ग्रीन भी पड़े हुए थे, तो मुझे तो इतने पसंद आए। मैंने कहा ये मुझे ग्रीन भी दो, मैं साथ लेके जाती हूँ। पत्ते भी उसने रखे हुए थे कोई, तो बच्चे तो होते हैं, तो बच्चे तो दरख्त तो इतने हमारे इलाके में इतने दरख्त होते हैं। आप बताएं आप कौन से इलाके में, कमर बख्श में, जहाँ ये नहीं पाए जाते हैं। हमारे इलाके में तो इतने गली मोहल्लों में, रास्तों में ये इतने, माशाल्लाह। इसके ये जो पत्ते होते हैं ना, ये भी करामत की चीज़ है। इसके पत्तों का पेस्ट बनाएं, 1 चम्मच इसके पत्तों का पेस्ट डालें, 2 चम्मच इसके जूस के डालें, इसके जामुन के, और आधा चम्मच हल्दी का डालें। ये फेस पे लगा दें, फेस पे लेप कर दें, 1 आधे घंटे बाद वॉश करें तो चेहरा ऐसे चमक जाता है कि जैसे कौन सी पता नहीं क्रीमें लगाई हैं। ये तो इतनी अच्छी नेचुरल चीज़ है माशाल्लाह। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, और अंदर से इनका कलर कितना प्यारा है माशाल्लाह। जैसे लेडीज सूट होता है ना, ऐसे कलर चमक से आता है माशाल्लाह। कोई इसमें फूड कलर नहीं डाला जाता, कुछ नहीं। तो ये शुगर के मरीजों के लिए, ये इनकी जो अंदर गुठलियाँ हैं, गुठलियाँ तो माशाल्लाह ये बाद में भी पाई जाती हैं। ये इनकी गुठलियाँ निकाल के उनको खुश करके पाउडर बना के रखें। ये शुगर के मरीज सुबह नहर मुँह 1/2 चम्मच इसकी लें, और 1/2 चम्मच शाम को लें खाने से पहले। ये शुगर इतनी लेवल पे आ जाती है माशाल्लाह। ये अजमाया टोटका है, आप कहोगे कि ये तकरीर कर रही है, इन पे तकरीर बनती है माशाल्लाह। ये इतनी अच्छी चीज़ है, इतनी अच्छी चीज़ है कि बहुत पसंद की जाती है माशाल्लाह। मीठे मोटे मोटे ताज़े, मैंने तो इतने ले लिए, मुझे अच्छे लगे हैं। मैंने 3 किलो में उठा के ले आई हूँ। मैंने कहा चल इनका जूस बनाएंगे, पियेंगे, कुछ खाएंगे। तो ये कुछ दिन रहते हैं, महीना डेढ़ ही रहते हैं, बस ये ख़त्म हो जाते हैं माशाल्लाह। ये बहुत अच्छे हैं। तो आज इनका मैं बनाऊंगी जूस, और जूस ऐसे बनाऊंगी कि इसकी जो गुठली है, कहते हैं कि इसको बॉयल करो तो 6 महीने रखो तो ये होता है तो वो होता है, नहीं, इसको ग्राइंड करो, ग्राइंड करके छान लो, मर्जी आपकी, जो छान के ऊपर से छान लोगे वो भी काम आता है। इसका ग्राइंड करके जूस बना लो, और जूस फ्रीजर में डाल दो, आपकी मर्जी स्कूप में डालते हैं, आपकी मर्जी किसी डों के कटोरे में डालते हैं, कटोरियों में डालते हैं, डाल के बर्फ बन जाएगी, महफूज करके रख लो। जब जामुन ख़त्म हो जाए, जैसे दिल करे इतना सा इसका पीस निकाला, जमा हुआ फ्रीज होया, और गिलास में डाला और मज़े से पिया। ये तो माशाल्लाह आप 12 महीने इसका जूस पी सकते हैं। ये जो लोग चूल्हे पे इसको पकाते हैं, वो तो ये पक जाता है, इसका तो वो असर गर्म हो जाता है अंदर से, कोई 6 महीने नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, बस ऐसे इसका ताज़ा ताज़ा फ्रेश निकालें। ये ऐसे इसकी गुठली निकाल लें माशाल्लाह। मैं इसकी गुठली ऐसे आपके सामने निकाल रही हूँ। ये तो माशाल्लाह ऐसी चीज़ है, ऐसी चीज़ है कि मैं आपको क्या, इसकी गुठलियाँ भी मैं रखूँगी, इसकी गुठलियाँ भी मैं खुश होकर के इनका पाउडर बना के आपको दिखाऊंगी। एक दफ़ा रेसिपी इसमें भी बनाऊंगी इंशाल्लाह। ये तो बहुत प्यारी चीज़ है। तो इसको उबाला नहीं जाता, ये उबालने से इसका अंदर से जो होता है ना असर, वो गर्म हो जाता है। इसको ऐसी इसकी गुठलियाँ निकाली जाती हैं। मैं इसकी ऐसी सारी गुठलियाँ निकाल के आपको दिखाती हूँ। मैंने इनको अच्छी तरीके से वॉश किया है, तो ये गुठलियाँ निकाल रही हूँ सारी, मैं फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मैंने काट ली है माशाल्लाह, देखो कितने प्यारे निकले हैं अंदर से। इनकी गुठलियां मैंने अलग कर ली हैं। तो रोज फ्रेश बनाते हैं, इतना मैंने निकाला। अभी मैंने जामुन, कुछ जामुन मैंने छोड़ दिए हैं। जैसे जैसे ताज़ा ताज़ा जो मांगेगा उसको ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश बना के दूंगी। तो ये मैं डालती हूँ ब्लेंडर जाल में। इसका जग थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा, तो मैं इस पे बनाती हूँ। ये माशाल्लाह से डाल रही हूँ। ये 2 दफा चला लूंगी क्योंकि ये छोटा है ना।
ये सबको बना के दें, पिए, बड़ों को, बुजुर्गों को, बच्चों को। ये बहुत अच्छी चीज है माशाल्लाह। इसको तो साइंस भी मानती है, ये पुराने जमाने का ये टोटके चलते आए हैं कि इतनी अच्छी चीज है। तो माशाल्लाह ये डॉक्टर लोगों को इतना नहीं पता, ये बहुत अच्छी चीज है, डॉक्टर भी मानते हैं इसको। तो ये मैं चीनी भी डालती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है हमारे घर शुगर वाला कोई नहीं, शुगर वाला मरीज एक है माशाल्लाह मियाँ मेरे, लेकिन वो गाँव गए हुए हैं अभी। तो अभी मीठा डाला इसलिए बेफिक्र होके, वरना मीठे के बगैर इसमें नमक भी डाल देती है साथ ही। ये काला नमक है, इसमें काले नमक का बहुत टेस्ट आता है, बहुत मजे का बनता है। ये मैंने ब्लेंडर नीचे उतार लिया मशीन से, ये देखें इसके जरे जरे ब्लैक ब्लैक जैसे प्रिंटेड कपड़ा होता है, माशाल्लाह कितने प्यारे आए हैं, प्लेन पे जरे जरे ब्लैक ब्लैक हैं, ये इनके छिलकों के हैं। तो प्लीज इनको छाना मत किया करें, ये ऐसे ही पिया करें, बिल्कुल इसमें मोटा कोई नहीं, बारीक ही है। और कलर माशाल्लाह इसका चेक करें कितना प्यारा है। और मैंने थोड़ा सा इसमें चीनी डाली, थोड़ा सा नमक काला डाला, और मैंने चखा, क्या टेस्टी, क्या मजे का माशाल्लाह, ये इतना मजे का, इतना मजे का है कि इसमें डालती हूँ ये पानी, मैंने इसमें ठंडा डाला है, बर्फ नहीं डाली। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये चेक करें और इसका कलर चेक करें माशाल्लाह, ये इसके जरे बारीक बारीक आ रहे हैं, कोई गले में नहीं लगते, कुछ नहीं, मैंने पी के देखा है माशाल्लाह। ये बहुत मजे का है, बहुत टेस्टी है, बहुत फायदेमंद चीज है, बहुत अच्छी चीज है माशाल्लाह। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ उसी बात को कि ये बहुत मजे की चीज है। प्लीज ये कुछ दिन के लिए होता है, इसको इस्तेमाल करें, खाएं पिएं, मजे से मजे, गर्मियों के मजे लूटें। माशाल्लाह मेरी छोटी मुनिया है, मैंने उसके लिए डाला है, उसको इसमें बहुत पसंद आती है ये चीजें माशाल्लाह। तो ये देखें कितना मजे का इसका टेस्ट, जायका बहुत मजे का है माशाल्लाह। बनाएं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसा ये बना है, कैसा मजे का है। तो प्लीज मेरे दान में दर्द है आज, मेरे से जरा सही बोला नहीं जाता। तो ये पिए, पी के हमें बताएं कैसा आपको लगा, जरूर बनाना। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।